सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो टीवी पंजाब। मैं हाँ जसवीर, ते खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला नज़र पाउने आ हेडलाइनस। ऑटवा रियल अस्टेट बोर्ड के नवे अंकड़े, फ्री होल्ड श्रेणी की जायदाद की औसत विक्री कीमत च 5% का वाधा। विदेशों तैनात इमीग्रेशन विभाग के मुलाजम नस्ली तकरार परेशानी ते हेठी का बन रहे ने पात्र, एक सर्वेखण च आया सामने। TD इकोनॉमिक की रिपोर्ट, जे इमीग्रेशन मौजूदा रफ्तार नाल जारी रहा तो कैनेडा च रहायशां की कमी सिर्फ 2 साल के अंदर 5 लाख यूनिट तक वध सकती है। कैलगरी के गुरद्वारा साहब च पंजाबी कुड़ी दा प्रशादे नूं लैके विवाद, कुड़ी वालों रो रो के बनाई गई वीडियो ते दसी हड बीती, वीडियो सोशल मीडिया ते होई वायरल। ऑटवा रियल अस्टेट बोर्ड के नवे अंकड़े दर्शाते हैं कि जुलाई च फ्री होल्ड श्रेणी की जायदाद की औसत विक्री कीमत 7,54,188 सी, जो कि जुलाई 2022 तो 5% वध है। नवे घर लई विक्री दीआं कीमतां जून तो 1% वधीआं ने। जदों औसत विक्री कीमत एक नवे घर लई 7,46,445 सी। ऑटवा रियल अस्टेट बोर्ड का कहना है कि जुलाई च घरां अते कंडो लई 2,234 नवीआं सूचियां आईआं, जो कि जुलाई 2022 तो 6% घट ने। ऑटवा च एक नवे घर की औसत विक्री कीमत 1 साल पहला दे मुकाबले जुलाई च 37,834 वधी है, जो कि 10 महीनों च राजधानी च घरां दीआं कीमतां च साल दर साल का पहला वाधा है। ऑटवा रियल अस्टेट बोर्ड के नवे अंकड़े दर्शाते हैं कि जुलाई च फ्री होल्ड श्रेणी की जायदाद की औसत विक्री कीमत 7,54,188 सी, जो कि जुलाई 2022 तो 5% वध है। नवे घर लई विक्री दीआं कीमतां जून तो 1% वधीआं ने। जदों औसत विक्री कीमत एक नवे घर लई 7,46,445 सी। ऑटवा च एक कंडोमीनियम की औसत विक्री कीमत जुलाई च 4,35,94 सी, जो कि 1 साल पहला नालों 2% वध सी। ऑटवा रियल अस्टेट बोर्ड के प्रधान केन डेकर ने कहा, जुलाई दियां औसत कीमतां पिछले साल नालों सकारात्मक लाभ दिखा रही ने, ते साल दर तरीक संख्या जिमें कि उम्मीद की जाती है अजे भी 2022 के शुरू च पीक महामारी मार्केट गतिविधि के पाड़े नूं बंद कर रही ने। जुलाई च ऑटवा च कुल 1,263 रहायशी जायदादा वेतियां गई सन, जो कि जुलाई 2022 च 1,102 सी। विक्री च 979 घर अते 284 कंडोमीनियम शामिल ने। डेकर ने कहा कि बीती जुलाई तो लैण देण अते औसत कीमतां दोवें वधीआं ने। यह दर्शाउंदी है कि बैंक ऑफ कैनेडा द्वारा हाल ही च कीते गए 2 तिमाही प्रतिशत ब्याज दरां च वाधे दे बावजूद खपतकारां नूं मार्केट च भरोसा है। ऑटवा रियल अस्टेट बोर्ड का कहना है कि जुलाई च घरां अते कंडो लई 2,234 नवीआं सूचियां आईआं, जो कि जुलाई 2022 तो 6% घट ने। फ्री होल्ड श्रेणी दीआं जायदादां लई वस्तुआं दे महीने 2.8 महीनों तो घट के 2.7 महीनों तक रह गए ने। एक सर्वेखण च सामने आया कि विदेशों च तैनात इमीग्रेशन विभाग के बहुत सारे मुलाजम नस्ली तकरार परेशानी अते हेठी का पात्र बन रहे हैं। इस सर्वेखण का काम पोलरा स्ट्रैटेजिक इनसाइट्स नूं दिता गया सी, ते इस दौरान 62 स्टाफ मैंबरां दा इंटरव्यू किया गया। IRCC विखे नस्लवादी मौजूदगी की समस्या नूं 1 तों 10 दे पैमाने ते दर्ज करन वेले करीब 63% मुलाजमां ने 7 जां उस तों भी वध दा नंबर चुनिया है। फैडरल सरकार दे इमीग्रेशन विभाग वल्लों करवाए गए एक सर्वेखण च सामने आया है कि विदेशों च तैनात इमीग्रेशन विभाग दे बहुत सारे मुलाजम नस्ली तकरार परेशानी अते हेठी दा पात्र बन रहे ने। स्टाफ ने सर्वेखण च मैनेजमेंट वल्लों उन्हां दे उच्चारण दा मजाक उड़ाउण, कुछ खास देशां दे लोकां अते इमीग्रेंट्स प्रति नफरत, नस्ली टिप्पणियां ते कुछ देशों के लोगों विरुद्ध हिंसा तक का भी समर्थन करने वर्गे अनुभव सांझे किए ने। एक स्याह फार्म मुलाजम ने कहा है कि ब्लैक होना उस लई बेहद चुनौतीपूर्ण है ते ओ सुरक्षित महसूस नहीं करता। एक होर मुलाजम ने दसिया कि विदेशों च तैनाती दौरान यानी कैनेडा तो दूर होने ते मैनेजर नस्ली विचार प्रगटाउण च बहुत सौख महसूस करते सन। गुप्तता के कारण करके मुलाजमान के नाम
नहीं दसे गए। इस सर्वेखण का काम पोलरा स्ट्रैटजिक इनसाइट्स नूं दिता गया सी ते इस दौरान 62 स्टाफ मैंबरां दा इंटरव्यू किया गया। पोलरा ने 2021 च भी अजिहा ही सर्वेखण किया सी। उस समय कई मुलाजमान ने सुपरवाइजरां ते सहकर्मियों नूं अंतरराष्ट्री पोस्टिंगा अते होर पेशेवर विकास के मौक्यां लई जाण वाले नस्ली स्टाफ नाल अपमानजनक शब्दों की वरतों करन दा जिक्र किया सी। ताज़ा सर्वेखण च पिछले 2 सालों दौरान कुछ प्रगति का जिक्र है, पर इमीग्रेशन विभाग के विदेश च मौजूद दफ्तर च प्रगति नहीं हुई। सर्वेखण अनुसार बहुत सारे स्टाफ ने IRCC नूं इसकी अंदरूनी विभिन्नता और नस्लवाद नाल निजिठण की इसकी वचनबद्धता करके दूजे फैडरल विभागों जिथे उन्होंने काम किया है नालों बेहतर कामकाज वाली थां पाया। सर्वेखण ने यह भी पाया कि मुलाजमान ने नस्ली स्टाफ की भर्ती या तरक्की प्राप्त करने की गिणती च मामूली वाधा देखा है ते मुलाजमान ने साथियों ते सहयोगियों नाल अपने अनुभव सांझे करन दे मौक्यां च वाधे की भी प्रशंसा की। हालांकि IRCC विखे नस्लवाद की मौजूदगी की समस्या नूं 1 to 10 के पैमाने ते दर्ज करन वेले करीब 63% मुलाजमान ने 7 जां उस तों भी वध दा नंबर चुनिया। सर्वेखण के उत्तरदातावान ने नस्लवाद नाल संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने लई एक सुतंत्र दफ्तर बनाउण अते विभाग कोल इस बाबत एक विशेष अधिकारी होण दा भी सुझाव दिता। IRC दे मुलाजमान की नुमाइंदगी करदी यूनियन कैनेडा इंप्लॉयमेंट एंड इमीग्रेशन यूनियन ने कहा है कि वह उक्त रिपोर्ट की मौजूदगी तो हैरान ने। यूनियन की नैशनल वॉइस प्रेजिडेंट क्रिस्टल वॉर्नर ने कहा कि असी कई सालों तो IRCC च संस्थागत नस्लवाद मौजूद होने के मुद्दे चुक रहे हैं। उन्होंने नमोशी प्रगटाई कि इस नुकते ते विभाग ने कुछ किया अते यूनियन नाल मशवरा तक नहीं किया। क्रिस्टल ने कहा कि मुलाजमान वालों एक सुतंत्र जांच अधिकारी की मांग हैरानी की गल नहीं है क्योंकि इस विभाग च स्टाफिंग दियां बहुत उलंघनावां हुंदियां ने। TD इकोनॉमिक की एक हालिया रिपोर्ट मुताबक जेकर इमीग्रेशन मौजूदा रफ्तार नाल जारी रहा तो कैनेडा च रिहायशां की कमी सिर्फ 2 सालों के अंदर 5 लाख यूनिट तक वध सकती है। रिपोर्ट च अर्थशास्त्री बीटा कैरांसी जेम्स ओरलैंडो अते ऋषि सोंदी ने कहा है कि कैनेडा की जनसंख्या च पिछले सालों के मुकाबले 2023 की दूजी तिमाही च 1.2 मिलियन का वाधा होया है जिहड़ा कि साल 2019 अते उस तो पहला दे सालों के मुकाबले दुगना है। जिक्रयोग है कि फैडरल सरकार ने कामियां की घाट नूं पूरा करन अते देश की वधदी जनसंख्या नूं संतुलित करन दे टीचे दे नाल साल 2025 तक हर साल 5 लाख लोग कैनेडा लियाउण दा टीचा मिथ्या है। पर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि प्रवासियों की अचानक आमद तो पहला ही कैनेडा का भविखी हाउसिंग स्टॉक पूरे देश च घट किफायती होण दा अंदाजा लगाया गया सी। ते जेकर सरकार की मौजूदा उच्च विकास वाली इमीग्रेशन योजना जारी रहिंदी है तो उन्हां दा अनुमान है कि देश च रिहायशां की कमी पूरे देश च 2 साल अंदर लगभग 5 लाख यूनिट तक वध सकती है। इस बारे च BMO दे विश्लेषण तो पता लगता है कि जनसंख्या च हर 1% वाधे नाल रिहायश दीआं कीमतां आम तौर पर हर साल लगभग 3% वध जांदीआं ने। यह दर्शाउंदा है कि हालिया सालों च कैनेडा की जनसंख्या हर साल 1.5% की औसत नाल वध रही है ते इकल्ले साल 2022 च यह वाधा 2.7% दर्ज किया गया सी जिहड़ा कि घरां दीआं कीमतां च हर साल 5% वाधे दे एक सार है। NDP लीडर जगमीत सिंह का कहना है कि विदेशी दखल अंदाजी की जनतक जांच के मुद्दे ते चीन तो परे होर देशों भी शामिल करन नू लैके उन्हां दी पार्टी विरोध का सामना कर रही है। जांच लई संभावी लीडर नियुक्त करन अते जांच दीआं शर्तां ते समा सीमा निर्धारित करन लई मुख फैडरल पार्टियां दे लीडर कई मुलाकातां कर चुके ने। इस साल के शुरू च कुछ मीडिया रिपोर्टां च कहा गया सी कि चीन ने पिछलियां 2 फैडरल चोणां च दखल देण दी कोशिश कीती सी। हालांकि पार्टियां इस नुकते ते भी सहमत ने कि इस नाल चोण नतीजे प्रभावित नहीं हुए सन। जगमीत सिंह ने कहा कि NDP विदेशी दखल की कोशिशों की जांच च रूस ईरान अते भारत वर्गे देशों नूं भी शामिल करन दी मंग कर रहे हैं। उन्हां कहा कि भाईचारे दे समूहां ने इन्हां देशों ते गंभीर इल्जाम लगाए ने ते विदेशी दखल अंदाजी के अनुभव का दावा किया है। जगमीत सिंह ने कहा कि विदेशी दखल की जांच विच चीन तो इलावा भी देशों शामिल करने बारे बाकी पार्टियां का पक्ष
स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां ने चीन तो वक् बाकी तीन देशों नूं शामिल करन दा विरोध किया है। कैनेडा तो एक खबर सामने आ रही है कि कैलगरी के गुरद्वारा साहब च पंजाबी कुड़ी दा प्रसादे नूं लैके विवाद हो गया, जिस तो बाद कुड़ी वालों रो रो के एक वीडियो बनाई तो अपनी हड बीती दसी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया से तेजी नाल वायरल हो रही है। कुड़ी ने दसिया कि मैनू समझ नहीं आ रहा कि मैं की कहाँ, क्योंकि मेरे नाल जो अज गुरद्वारा साहब च होया वो असी सोच भी नहीं सकते कि गुरद्वारा साहब च कुछ अजिहा भी हो सकता है। अज तक सिर्फ सुनिया सी कि इवें हुंदा है, अज पहली बार मेरे नाल होया है। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज दी वीडियो मैनूं समझ नहीं आ रहा कि मैं की कहां, क्योंकि जो अज होया स्पैशली गुरद्वारा साहब च, है ना, आपां सोच भी नहीं सकते भी गुरद्वारा साहब अज तक सुनिया सीगा भी इदां हुंदा, अज पहली बार मेरे नाल होया। सो दशमेश कल्चर गुरद्वारा साहब कैलगरी दे विच, बहुत वड्डा गुरद्वारा, ठीक है, उत्थे गई ते सवेर दा टाइम सी, मत्था टेकन गई ते मैं सोचा चलो प्रशादा छक लैनी, प्रशादा नहीं मतलब चाह ते परौंठियां हुंदियां इस टाइम, है ना। मैं कहा चलो चल जानी, मैं गई, मैं एक परौंठी ली बाबा जी तो मैं उन्होंने पुछया, है ना, मैं कहा बाबा जी एक परौंठी दे सकदे हो तुसीं होर भी जे माइंड ना करो तो, जे नहीं तो कोई चक्कर नहीं। बाबा कहिंदा ओके ठीक है। सो एक परौंठी मैं खाने लई लै ली, एक मैं नाल लै ली, ठीक है। फिर मैं उत्थों लैके परौंठी, मैं मैनू पिछों सुनने नूं आ रहा सी कुड़ी रोटी कुड़ी रोटी, मैं ध्यान नहीं दिता, मैं कहा चलो की तो किसी होर की गल करते हूँ। मैं चाह वाल नूं चल गई चाह लैण वास्ते, उन्हां चों दो सेवादार पिछे आंदे ने, अंकल सीगे दो पिछे आंदे ने ते मैनू कहिंदे तू कुड़ीए बहुत रोटियां लै लईआं। मैं कहा अंकल जी मैं पहली गल ते आप नहीं चक्किया कुछ, मैनू खुद उन्होंने फड़ाया, मैं पुछया उन्होंने फड़ाती मैनू रोटी, है ना, प्रशादा। ते फिर कहिंदे नहीं तू झूठ बोलदी पई है। मैं क्या ओ पई मेरी थाली अंकल जी चैक कर लो ते आ रहा मेरा बैग चैक कर लो। लिटरली इदां दा टाइम आ गया, मेरी उत्थे खड़ी दी अखां भर रही है कि गुरद्वारा साहब भी मन्निया जांदा भी तुहानू कोई नहीं पुछूगा, तुसीं उत्थे बह के खा के आ सकदे हो, जे तुहानू लोड़ आ तुसीं लै के भी आ सकदे हो। बट अपने गुरद्वारा साहब दे विच हुण आ कुछ हुण लग गया कि आप खुद पंजाबी हो गए, हुण आपां नूं ऐ हुण लग गया कि नहीं ना जाइए, हुण आ कुछ रह गया, है ना, ते दूजी कम्यूनिटी कित्थों आजूगी। तुसीं की सिखा रहे हो आपदे कल्चर दे बारे, गुरु नानक देव जी दा बाबे गुरु नानक दा 20 रुपए दा लंगर जिहड़ा उह अज तक चलदा आ रिहा, बट ये सेवादार इदां दे करप्ट लोग, इन्ना माड़ा फील हो रहा, इन्ना माड़ा लग रहा ना ये चीज दे विचों निकल के। हुण मैं भी ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਨਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਗਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਤੇ ਛਕੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਲੜਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਅ ਜੀ, ਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਦਸਾ ਰਾਤੀਂ 7:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕਲਾਰਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ 6 ਕੁ ਕਰੀਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਿਡਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ।
पैरामेडिक्स ने यह भी दसिया कि इस हादसे का कारण एक कुत्ते की मौत हो गई है। जख्मियों के संबंध में होर जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई। हादसे के कारणों का भी पता नहीं लग सकया। इस हादसे आने वाले ड्राइवर नूं पुलिस वालों बदलवें राहों तो आने जाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि हादसे कारण इस इलाके नूं बंद कर दिता गया। वीरवार शाम नूं ओटावा के दक्षणी सिरे विच एक तूफान आ गया, जिस नाल रिवर साइड साउथ और फिंडले क्रीक च घरां जायदादां ते दरख्तां नूं नुकसान पहुँचा। सोशल मीडिया ते फोटोआं ने घरां नूं नुकसान, दरख्त डिगण ते एक उसारी वाली थां ते एक ट्रेलर पलट गया दिखाया है। शाम 7 बजे तो बाद डिगियां तारां ते दरख्तां दीआं टाहणियां कारण एलबियन रोड नूं अस्थाई तौर पर बंद कर दिता गया सी। खेतर दे कौंसलर स्टीव डेसरोचस ने कहा है कि उन्हां नूं दस्या गया है कि तूफान नाल 8 घर प्रभावित हुए। वीरवार शाम नूं ओटावा दे दक्षणी सिरे च एक तूफान आ गया, जिस नाल रिवर साइड साउथ अते फिंडले क्रीक च घरां जायदादां अते दरख्तां नूं नुकसान पहुँचा। एनवायरमेंट कैनेडा ने पुष्टि की है कि मेटकाफ के उत्तर पछम च 9 किलोमीटर हेठा एक तूफान छू गया, क्योंकि गंभीर मौसम राष्ट्रीय राजधानी खेतर चो लंघ रहा है। तूफान का पिछा करने वाले कोनर मोटेक ने सोशल मीडिया से वीडियो पोस्ट की, जिस बारे उसने कहा कि शाम 6:47 से रीडो रोड नेड़े एलबियन रोड से तूफान सी। अर्ल आर्मस्ट्रोंग रोड नेड़े बैंक स्ट्रीट तो रिवर रोड तक फैले दक्षणी सिरे च नुकसान दीआं रिपोर्टां ने। सोशल मीडिया ते फोटोआं ने घरां नूं नुकसान, दरख्त डिगण अते एक उसारी वाली थां ते एक ट्रेलर पलट गया दिखाया। शाम 7 बजे तो बाद डिगियां तारां अते दरख्तां दीआं टाहणियां कारण एलबियन रोड नूं अस्थाई तौर पर बंद कर दिता गया सी। खेतर दे कौंसलर स्टीव डेसरोचस ने कहा है कि उन्हां नूं दस्या गया है कि तूफान नाल 8 घर प्रभावित हुए ने। एसकेपैड प्राइवेट, सैलामेंडर वे, फ्रेंडले क्रीक ड्राइव अते लैबराडोर क्रेसेंट ते छत दे नुकसान की रिपोर्ट की गई सी। कैलीफार्म ड्राइव ते वीरवार शाम नूं छत ते शिंगल, गली दे चिन्ह, एक पोटा पोटी अते होर मलबा गली विच कूड़ा कर गया। ओटावा पुलिस ने कहा कि अधिकारियों ने गंभीर मौसम नाल संबंधित सेवा लई छत दे नुकसान नाल संबंधित कॉलां अते डिग्गे दरख्तां अते हाइड्रो तारां दीआं रिपोर्टां दे नाल 4 कालां दा जवाब दिता। हाइड्रो ओटावा ने स्टिट्सविले, रिचमंड अते रिडोजॉक च 5,000 गाहकां नूं प्रभावित करन च हाइड्रो आउटेज की रिपोर्ट की, पर रात 9 बजे तक बिजली बहाल कर दी गई। $9 million के 138 चोरी किए गए वहीकल बरामद करने के नाल पुलिस वालों 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस ग्रुप वालों कई इलाकों तो गड्डियां चोरी करके उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट च वेचा जाता सी। जिन्हां मुल्कां नूं गड्डियां वेचियां जांदियां सन उन्हां विच संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, लेबनान, रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया ते डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो शामिल सन। $9 million के 138 चोरी किए गए वहीकल बरामद करन दे नाल नाल पुलिस वालों 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ते उन्हां खिलाफ़ 300 चार्जस लाए गए ने। यह खुलासा विंडसर ओंटारियो की पुलिस वालों किया गया। गड्डियां चोरी करन दे इस मामले की जाँच को प्रोजैक्ट फेयरफील्ड का नाम दिता गया। इस नूं पिछले साल अप्रैल च विंडसर पुलिस वालों शुरू किया गया अते कई लोकेशनस की तलाशी ली गई। इस दौरान हासिल हुए सबूतों तो सामने आया कि विंडसर ते इस दे आले दुआले दे इलाके तो गड्डियां चोरी करन लई एक संगठित ग्रुप सरगर्म सी। इस ग्रुप वालों कई इलाकों तो गड्डियां चोरी करके उन्हां नूं इंटरनेशनल मार्केट च वेचा जांदा सी। जिन्हां मुल्कां नूं गड्डियां वेचियां जांदियां सी उन्हां विच संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, लेबनन, रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया अते डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो शामिल सन। जारी की गई एक प्रेस रिलीज़ दस्या गया कि चोरी दिया इन्हां गड्डियां दा रूप रंग भी बदल दिता जांदा सी ते इन्हां दे आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बदल दिते जांदे सन तां कि इन्हां नूं प्राइवेट सैल वजों वेचा जा सके। पुलिस ने दस्या कि पिछले साल दसंबर च उन्हां वल्लों इसे तरह रीवाइन कीती एक गड्डी नूं हाईवे 401 उत्ते किंगस्टन ओंटारियो नेड़े रोकया गया। इस विच गैर कानूनी ढंग नाल नशे, जिन्हां विच 14,914 सिंथेटिक ओपीआइड टैबलेट्स भी शामिल सन लिए जा रहे सन। इस तो बाद गिरफ्तारियां दा ते जांच दा सिलसिला शुरू हो गया। इस जांच दौरान 138 चोरी दियां गड्डियां बरामद कीतियां गईयां, 1,050 मैथामेटामाइन दियां गोलियां,
4.9 पाउंड कैनाबिस, 1.1 पाउंड कैनाबिस कंसनट्रेट, 320 ग्राम कोकीन, 144,635 डॉलर कैनेडियन करंसी ते 26,698 अमरीकी करंसी फड़ी गई। इन्हां नशे की बाजार च कीमत 5,06,000 डॉलर दसी जाती है। WPS ते OPP दे जांचकारां ने दस्या कि उन्होंने कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी, लंदन पुलिस सर्विस, पील रीजनल पुलिस ते एक्वैत एसोसीएशन नाल रल के जांच मुकम्मल की। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ। ਆਟਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸਲੀ ਤਕਰਾਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹੇਠੀ ਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਰ, ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। TD ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ।